कोरोना जो है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का कहना है कि कोरोना के चलते हो रही मौतों की संख्या 43% तक बढ़ गई है। चीन, साउथ कोरिया जैसे देशों में कोरोना के केस एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे लेकर WHO ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा, जनवरी के अंत से मार्च की शुरुआत तक संक्रमितों में लगातार गिरावट देखने को मिली। इसके बाद 21 से 27 मार्च तक नए मामलों की संख्या में पिछले हफ्ते की तुलना 14% की गिरावट आई है। वहीं इस बीच कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में 43% की वृद्धि हुई है। लेकिन WHO अपनी जारी किए इस आंकड़े से संतुष्ट नहीं है। WHO का कहना है कि डेटा सही से नहीं जुटाए जा रहे हैं, जिससे हमें ये जानने में परेशानी हो रही है कि वायरस आखिरकार कहाँ है और कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। वैसे आपको बता दें, इस वक्त चीन का शंघाई शहर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के केरल राज्य में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। केंद्र सरकार ने बीते 27 मार्च से दोबारा इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर दी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स खतरे का अंदाजा लगा रहे हैं। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।